Good morning, students and parents. Hope you all are doing well. Today we will do Hindi. आज हम हिंदी करेंगे. उसके अंदर आज हम पेज नंबर 11 करेंगे. Okay? So students, you also open your Hindi book. आप अपना हिंदी का बुक निकालो और पेंसिल इरेजर निकालो. Okay? यहाँ पे आज हिंदी में यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं और यहाँ पे बहुत सारे हिंदी के लेटर्स लिखे हुए हैं. उसको हमें मैच करना है. सही शब्द को चित्र को सही अक्षर से मिलाओ. यहाँ पे ये जो पिक्चर है उसको सही लेटर से हमें मिला है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट इमेज क्या है? इमृति. ओके, ई से इमृति. यह शब्द कौन से लेटर से शुरू होता है? छोटी ई. ओके, तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? छोटी ई. ओके, तो ये यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 नंबर पे ये इमृति. तो हमें क्या करना है? छोटी ई से इमृति हमें इसको ऐसे मिलाना है. उसके बाद कौन सा इमेज है? उद्बिलाव. ओके, यह अक्षर बड़े ऊ से शुरू होता है. तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? बड़ा ऊ. 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है? बड़ा ऊ. बड़े ऊ से उद्बिलाव. ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है अनार. अ से अनार. अभी यह अक्षर अ से शुरू होता है. तो इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है? बड़ी ई आ ऊ ई बड़ा ऊ अ. अ से अनार. तो हमें इसे पढ़ना है और फिर मैच करना है. अ से अनार. बड़ी ई से ईदगाह, जहां पे मुस्लिम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं. ओके, तो बड़ी ई से ईदगाह. यह अक्षर बड़ी ई से शुरू होता है. ओके, तो यह बड़ी ई है, तो हम इसको ईदगाह से मैच करेंगे. बड़ी ई से ईदगाह. ओके, उसके बाद क्या है? आम. आ से आम. यह अक्षर आ से शुरू होता है. तो आ कहाँ पे है? बड़ी ई और यह क्या है? आ. तो हमें उसको यहाँ पे मिलाना है. आ से आम. ओके, आ से आम. ओके, ये क्या है? उल्लू. बड़े यहाँ पे क्या है? उल्लू. यह अक्षर ऊ से शुरू होता है. तो यह ऊ ढूंढना है हमें, छोटा ऊ. ओके, तो ये ऊ है, तो हम उसे ऊ से मिलाएंगे. ओके, ऊ से उल्लू. ओके बच्चों, तो जब भी हम ये इमेज देखेंगे हम ये ऐसे याद करेंगे. ई से इमृति, ऊ से उद्बिलाव, अ से अनार, बड़ी ई से ईदगाह, आ से आम, ऊ से उल्लू. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू कैन मैच विद इमेज विद लेटर. ओके, चित्र को सही अक्षर से मिलाना. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यू ओपन योर पेज नंबर 12. आप भी अपना पेंसिल इरेजर लेके रेडी हो जाओ. यहाँ पे हमें क्या करना है? चित्र का नाम का पहला अक्षर लिखो. यानी कि यहाँ पे जो इमेज है उसको पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है. उसके बाद उस इमेज का पहला अक्षर कौन सा आएगा उसे याद करना है और फिर आपको यहाँ पे अच्छे से दो ब्लू लाइन के बीच में लिखना है. यह इमेज क्या है? यहाँ पे इलायची. यह छोटी ई है, ई से इलायची. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? ई लिखना है. ई से इलायची. और जब भी आप लिखो अच्छे से दो ब्लू लाइन के बीच में लिखना है. ओके, ई से इलायची. उसके बाद क्या है? आम. आ से आम. तो हमें यहाँ पे यह अक्षर आ से शुरू होता है. तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? आ. ओके, आ. यहाँ पे पहले लिखा हमने अ, उसके बाजू में सीधी लकीर, उसको क्या बोलेंगे? आ. ओके, यहाँ पे क्या है? अगरबत्ती है. ओके, यह शब्द अ से शुरू होता है. अ से अगरबत्ती. आपके घरों में मम्मी जब पूजा करते हैं उस टाइम पे अगरबत्ती जलाते हैं, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है. यह शब्द अ से शुरू होता है. हमें क्या लिखना है यहाँ पे? अ. अ से अगरबत्ती.
उसके बाद यहाँ पे कौन सा इमेज है? ऊन। यह शब्द बड़े ऊ से शुरू होता है। ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन। जब भी आप लिखो बच्चों, आपको बोल के ही लिखना है, बड़े ऊ से ऊन, और अच्छे से दो ब्लू लाइन के बीच में लिखना है। यहाँ पे क्या है? ईक, बड़ी ई से ईक। यह शब्द बड़ी ई से शुरू होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? बड़ी ई। आपको बड़ी ई अच्छे से लिखनी है और उसके बाद ऊपर ये चंद्रमा। ओके, यहाँ पे क्या है? उपहार। यह शब्द ऊ से शुरू होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? ऊ। ओके, आपको अच्छे से ऊ यहाँ पे ऐसे लिखना है, ऊ से उपहार। उसके बाद नीचे क्या दिया है? चित्र देखकर सही अक्षर पर गोलाकार लगाइए। मतलब आपको यहाँ पे क्या इमेज है? इडली है। ओके, तो यह अक्षर ई से शुरू होता है, तो यहाँ पे पहले क्या दिया है? बड़ी ई, और उसके बाद क्या है दिया है? छोटी ई। तो जो छोटी ई है वो से इडली होता है, तो ये जो छोटा ई है उसके ऊपर हमें क्या करना है? सर्कल। ओके, आपको अपनी बुक में पेंसिल से ऐसे अच्छे से सर्कल लगाना है। पहले आपको इमेज पहचाननी है, फिर आपको ये याद करना है कि ये शब्द कौन सी ई से शुरू होता है, छोटी ई के बड़ी ई से इडली, छोटी ई से शुरू होता है। ओके, उसके बाद क्या है? अमरूद। अमरूद जो है वो अ से शुरू होता है, तो हमें कहाँ पे ये पहला लेटर क्या है? अ, और उसके बाद क्या लिखा है? आ। हमें क्या चाहिए? अ, तो हमें किसके ऊपर सर्कल करना है? इसके ऊपर। ओके, अ से अमरूद। ओके, आफ्टर दैट हियर इज द इमेज ऑफ उल्लू। उल्लू जो है वो छोटे ऊ से शुरू होता है। ओके, यहाँ पे क्या है? पहले बड़ा ऊ, उसके बाद क्या है? छोटा ऊ, तो हमें छोटे ऊ के ऊपर सर्कल करना होगा। ओके, तो छोटे ऊ से उल्लू। ओके, तो इन दिस वे आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके मम्मी को बताना है कि वो आपके फोटोग्राफ खींच, ये दोनों पेजेस के फोटो क्लिक करे और मैम को भेजे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम।